बार बार कम्युनिकेट भी कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी एंड एनवाइ मिला के में 40 50 है से किया था। और उसी टेस्ट सीरीज का जो फ्यूचर में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है इकोनॉमी के सेट में से एक सैंपल क्वेश्चन आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं आप लोग देखिए इसमें कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर शेयर करिए याद रखिए अपना इंटरेस्ट आप जरूर शेयर करिए क्योंकि स्टार्टिंग की 200 एंट्रीज के लिए बहुत ही अच्छा डिस्काउंट हम लोग देके आ रहे हैं अवर टीम होप्स आप सब उसका फायदा उठाएंगे ओके लेट्स मूव ऑन टू द सैंपल क्वेश्चन

पूरा करने में लगा दीजिए जिस भी एक्टिविटी में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो समय आप पढ़ाई में नहीं दे पा रहे हैं उस एक्टिविटी को इमीडिएटली बंद कर दीजिए और सोचिए जब आपने डिसाइड किया था कि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उसका क्या रीजन था वो रीजन आप दिमाग में लेके बैठेंगे यकीन मानिए सारी डिस्ट्रेक्शन अपने आप चली जाएंगी चलिए टेस्ट सीरीज टू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन रीड आउट करेंगे जीडीपी मेजर्स द आउटपुट ऑफ एनी कंट्री हाँ जी बिल्कुल सही बात है हम सब जानते हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जीडीपी ऑफ एन एन इकोनमी जीडीपी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हर बार की तरह कौन से स्टेटमेंट्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन सही आंसर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है पहला स्टेटमेंट रीड करते इकोनॉमी जीडीपी एट मार्केट प्राइस सी ये क्वेश्चन हम जब कर पाएंगे जब हमको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस का रिलेशन पता होगा स्टेटमेंट में बोला गया है जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है वो बेटर पोजीशन यानी अच्छी पोजिशन बताता है इकॉनमी के बारे में एज कंपेयर टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस चलिए ठीक है देखते हैं इसको थोड़ी देर में सेकंड स्टेटमेंट कहता है द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी जीडीपी एट एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस शोज बर्डन ऑफ टैक्स द इज होल्डिंग एट एनी गिवन टाइम देखिए सेकंड स्टेटमेंट भी जब ही हम बता पाएंगे जब हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंडिविजुअली क्या होते हैं और आपस में किस तरीके से एसोसिएटेड है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट समझते हैं फैक्टर कॉस्ट अगर आपको याद हो लैंड लेबर कैपिटल चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जब किसी चीज की फाइनल वैल्यू आइडेंटिफाई करी जाती है इन चारों पैरामीटर्स को लेके उसको बोला जाता है जीडीपी एट फैक्टर अभी कोई चीज फैक्ट्री से बन के निकली है अभी मार्केट में नहीं पहुंची है मार्केट में पहुंचने के लिए क्या लगेगा जो जी एट फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट को मिला के जो जीडीपी बना उसमें तो कुछ इंडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे और गवर्नमेंट अगर कुछ सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी का अमाउंट माइनस हो जाएगा तब जाके जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगा राइट एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार्स जो हमने सोचा कि अब हम इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑनप्रनरशिप लगा के अपनी इलेक्ट्रिक कार निकाली इन सारे फैक्टर्स को निकाल के जो कॉस्ट बनी होगी उस वैल्यू को बोला जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले इस कार के ऊपर कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएगी इनडायरेक्ट टैक्सेस राइट अब क्योंकि ईवी को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो उस पर सब्सिडीज भी देगी ताकि एंड कस्टमर तक प्राइस थोड़े सब्सिडाइज रेट पे पहुंचे अब देखिए जब ये इलेक्ट्रिक कार बन के निकली तब उसकी कॉस्ट थी उसके बाद इसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा सब्सिडी माइनस कर दी गई उसके बाद ये मार्केट में पहुंची

तो मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस करेक्ट पिक्चर शो नहीं कर रहा वो नहीं बता रहा कि कितना डायरेक्ट टैक्स लगा है या फिर कितनी सब्सिडी आई है करेक्ट पिक्चर तो सिर्फ और सिर्फ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालता है क्योंकि उसमें जो लगा है उस लगे हुए एफर्ट्स की कॉस्ट है तो हमेशा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करेक्ट पिक्चर बताता है इकोनमी का एज कम्पेयर टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस चलिए अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस का जो फॉर्मला है उसको ड्राइव करते हैं क्या जुड़ा होगा आप सोचिए इसके फैक्टर इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ होगा तो पहले हमें वो माइनस करना होगा साथ ही इसके अंदर सब्सिडीज है जो नहीं थी वो हमें एड करनी होगी तब जाके जीडीपीएट फैक्टर कॉस्ट निकल के आएगा राइट right? और यही चीज स्टेटमेंट टू बताती है तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है हैंस ऑप्शन सी बोथ एंड इज द करेक्ट आंसर राइट चलिए यहां से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ